मुझे सिर्फ ये बताओ दानियाल बाहर कब जाते हैं? वो एक दो दिन में कभी कभी मार्केट चले जाते हैं, मैं भी उनके साथ चली जाती हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगी कि कल मैं घर पे रहूँगी, तुम आके सारा को ले जाना। अरे अब बस भी करे, डॉक्टर को बुलाए, तब भी करा दूंगी इसे अम्मा को बुला के, अब जाए दो। मामा ये घर बहुत अच्छा, यहाँ आप आराम से रहें, शायद मैं वापस ना आ सकूं। हाँ बेटा, मैं तुम्हारी दादी अम्मा को भी बुलवाता हूँ यार। मैं बुलाती हूँ तुम्हारी दादी को। तेरा बच्चा, रो मत, चुप हो जा मेरा बच्चा, चुप हो जा, चुप हो जा मेरा बच्चा। हाँ बेटा, तुम्हारी अम्मा बहुत गंदी, इन्हीं की वजह से तुम्हारी दादी अम्मा जाती है। आप क्या हो गया है आपको? आप ही बच्चे के साथ लग गए, फोन करें और लोगों को बुला रहे, इसके लिए पानी लेके आती हूँ। शहीर, 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 मेरा बच्चा, शहीर, शहीर, शहीर। अरुबा, बेटा मेरा मोबाइल देना। नाना अबू, मामू की कॉल आ रही है। हाँ, वो अपनी अम्मा का पूछ रहा होगा, तो मामा को लेके जाओ ना उधर। हेलो, हाँ वो तुम्हारी अम्मा और अरुबा अभी। नाना अबू, क्या हुआ ना नाबू? अरुबा शहीद। शहीद क्या? शहीद अब इस दुनिया में नहीं रहा। चलो बेटा, मैं तैयार हूँ, शहीद इंतजार कर रहा होगा। क्या करूं, मम्मी तो मानेंगी नहीं। हाँ आसाम, बोलो। एक बुरी खबर है। या अल्लाह, खैर क्या हुआ? अरे मेरी तो वैसे ही सुबह से दाई आंख फड़क रही थी, जल्दी बताओ क्या हुआ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। हौसला करें अम्मी, हौसला करें। बुरी खबर यह है कि शहीद की डेथ हो गई है। या अल्लाह, खैर ये तो वाकई बहुत बुरी खबर। अब क्या करें अम्मी, आबिद अंकल की कॉल आई थी कि नाजिया को लेकर घर आ जाओ। अरे उनका दिमाग खराब है, नाजिया वहां कैसे जा सकती है इस वक्त इस हालत में? उसका तो वैसे मैयत और गम की जगह पे जाना मना है। तो अम्मी फिर क्या करें, शहीद उसका भाई था, दुनिया वालों को क्या रीजन बताएंगे? ऐसा करते हैं बेटा कि जनाजे की बात बता देते हैं, अभी तो उसे पता भी नहीं है। अम्मी आप क्यों नहीं समझ रही हैं, शहीर उसका भाई था, और इतनी बड़ी खबर हम उसे कैसे छुपा सकते हैं? मैं ऐसा करती हूँ कि नाजिया को लेके डिफेंस वाली चची जान के घर चली जाती हूँ, कल आ जाएंगे हम लोग। तो फिर उसे कोई फोन पर भी तो इतला दे सकता है ना? मैं उसका जाके मोबाइल ले लेती हूँ, उसे तो यकीनन अभी तक पता भी नहीं, वरना हंगामा कर देती। शहीर की नाजिया, नाजिया,
पंडित, मेरा भाई यही पता नहीं हमारे इस स्टोर को किसकी नजर लग गई। पहले सारा और अब शहीर। मैं वापसी की टिकट बुक करूंगा। मेरा यहां बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा, बल्कि सारा का खोने का एहसास मुझे मुझे बार बार तकलीफ देता, बार बार। मुझे लेकर चले, अब इसी वक्त लेकर चले, और अपने भाई का फिर दीदार करना चाहती हूँ। तुम लोगों ने तो मुझे यहाँ कैद करके रखा हो, तंग आ गई हूँ मैं इस जिंदगी से। पागल मत बनो, 8 महीने की पाबंदी और सारी मेहनत पर पानी मत फेरो। खुदा ना करे बच्चे पे कोई बुरा असर। अगर आपने मुझे जाने ना दिया ना, तो मैं इस बच्चे को मार दूंगी। नफरत हो रही है मुझे इस बच्चे से, जिसको आपने मेरी पांव की जंजीर बना दी है। मेरा भाई बेचारा कितना बीमार था, और मैं आपकी इस औलाद की खातिर उससे मिल भी नहीं सकी। आंटी, मैं आपको गारंटी देती हूँ कुछ नहीं होगा, प्लीज। मैं तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दे सकती। मुझे जाना है, सुन लिया आपने? चाहे आप इजाजत दें या ना दें, मैं जा रही हूं। रुक जाओ, रुक जाओ। अगर तुमने मेरी मर्जी के बगैर इस घर से एक कदम भी निकाला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा कोई और हो भी नहीं सकता। आप मुझे मेरे भाई के जनाजे से रोक रही हैं, सिर्फ इसलिए कि आपकी इस नस्ल को कुछ ना हो जाए। ये वहम है, तोहम परस्ती है, कुछ नहीं होगा। लेकिन आज मुझे मत, आज आपने मुझे रोका ना, तो मैं वो कर लूंगी जो आपने कभी सोचा भी ना होगा। अम्मी, अम्मी प्लीज छोड़े ना, जाने दे ना। देखो अगर कुछ हो गया ना, तो मैं तुम दोनों को माफ नहीं करूंगी। नहीं, कुछ भी नहीं होगा, आप प्लीज परेशान मत हो। ठीक है, मगर एक एहतियात करना, तुम अपने भाई के जनाजे को हाथ मत लगा। चलो नाजिया। रुक जाओ, मैं भी चलती हूं। मेरा बच्चा, अरे दादी की जान तो कहाँ जा रही है। Mm-hmm.
देखो तुम्हारी बहन आ गई, नाजिया भी आ गई। शहीर उठो, शहीर उठो। तुमने बहुत देर कर दी नाजिया बेटा, तुमने बहुत देर कर दी। हिम्मत से काम लो, मत रो मेरा बच्चा। बेटा तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, मत रो बेटा, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। दादी अम्मा, मैं अम्मी के साथ हर रोज रहना चाहती हूँ। नहीं बेटा, तुम्हारी सास खफा हो जाएंगी, हम लोग अभी यहीं हैं, तुम फिर आ जाना। तो बेटा उनकी मेहरबानी है जो उन्होंने तुम्हें आने दिया, अगर वो ना आने देती तो हम उनसे क्या कहते, क्या कर सकते थे बताओ। चुप हो जाओ। हौसला रखो जाहिर, मायूसी गुनाह है, और प्लीज अपनी सेहत का ख्याल रखो। क्या हो गया तुम्हें? क्या करूंगा जीकर खालिद, और अब किसके लिए जीऊंगा, क्यों कर जीऊंगा खालिद। आमिर ने मेरी सारी उम्मीदों का खात्मा कर दिया। मैं तो कितना खुश था कि अनुपा ने उसको माफ कर दिया, लेकिन उस बदबख्त ने तो उसकी कुर्बानी को भी जाया कर दिया। और शाहरुख तो उसका दोस्त था ना, उसने शाहरुख को कत्ल कर दिया। हाँ सुना है शाहरुख उसकी गाड़ी और पैसा डकार के कहीं गायब हो गया। अब कौन उसे माफी देगा, कौन बचाएगा उसे फांसी चढ़ने से। मायूसी कुफर है जाहिर, अल्लाह पे यकीन रखो, इंशाल्लाह जब सब ठीक हो जाएगा। <laughs>
तहसीन सो गई? जी सो गई है, दवाई दी थी मैंने उन्हें। बहुत बेचैन थी, बार बार आमिर का नाम ले रही थी। माँ है ना, माँ के दिल को इल्हाम हो जाता है कि उसकी औलाद किस हाल में है। देखो ना, जब से आमिर गया है हमने तो उसे नहीं बताया, लेकिन तब से तड़प रही है। नानी अम्मा, जब हम आशियाना में थे तो कितनी खुशी और मुतमईन से रहते थे। जब से हम आशियाना से निकले तिनका तिनका होकर बिखर गए। हाँ बेटा, परिंदे जब अपने घोंसले से उड़ते हैं ना, ऊंची परवास के लिए जब जाते हैं ना, तो अपने घर की वापसी का रास्ता याद रखते हैं। लेकिन जो अपने घर की वापसी का रास्ता भूल जाते हैं ना, वो अपने आशियाने को ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हैं। बस अल्लाह हम पे रहम करे। सुबह मैं रेहाना की तरफ भी जाऊंगी, बहुत तन्हा रह गई है। नहीं, फौजिया आप भी आ गई उनके पास रहने। फौजिया बेचारी के साथ भी बहुत बुरा हुआ, और दानियाल उसे तो जैसे खुशियां रास ही नहीं आती। पहले सोमी ने उसे तंग किया हुआ था, फिर जब फौजिया से खुशियां मिली तो बेटी छिन गई। ऐसा लगता है उसके मुकद्दर में तो खुशियां है ही नहीं, मोहब्बत उसको नसीब ही नहीं है। है बेटा, रात ज्यादा हो गई, अब तुम पढ़ाई खत्म करो और आराम करो, मैं भी जरा एक कमरे में जाती हूँ। अल्लाह करे दानियाल भाई कभी खुश ना रहे। मैंने उन्हें क्यों कहा कि मेरे शहजादे बन जाएं? मुझे नहीं कहना चाहिए था, कहीं मेरी बद्दुआ तो नहीं लग गई। वक्त गुजरते पता भी नहीं चलता फौजिया, आज सातवां दिन है शहीर को फौत हुए। सब लोग अपने अपने घरों को लौट गए, अपने अपने कामों पर चले गए, मगर मेरे दिल से लम्हे भर को भी उसकी याद नहीं जाती। बचपन से जवानी तक एक मासूम बच्चे के साथ जिंदगी गुजारना आसान नहीं होता। जब बहुत तंग हो जाती थी तो दुआ करती थी कि वो मर जाए, मगर अब जब मर गया है तो मेरे दिल में ऐसा लगता है जैसे कोई छुरियों से कीमा बना रहा हो। वैसे ये सब रिहाना का किया धरा उसके सामने आ रहा है। अम्मा जी ने उसे कितना मना किया था कि शहीर को कमाई का जरिया मत बनाओ, मगर उसने तो उसे वली बना दिया, खूब पैसा कमाया। आप बुरा नहीं मनाना, आपकी बहू फौजिया ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर नौकरी से निकलवाया। क्या, मगर वो ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि वो बेबी को पसंद नहीं करती थी, उन्हें अपने पास में रखना चाहती थी। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? धड़कने जिनसे बंधी हैं उन्हें तन्हा ना करो, बहता